गाइज अब हम आ चुके हैं गरुण ताल और ये बहुत ही खूबसूरत है। भीमताल इज इन द शिवालिक रेंज, द रीजन इज नोन एज देवभूमि। तो गाइज वेलकम टू देवभूमि उत्तराखंड। एज यू नो ये सीनिक रूट हमको लेकर जा रहा है हमारे अगले डेस्टिनेशन भीमताल की तरफ। हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपको दिल्ली से नैनीताल और नैनीताल से कैंची धाम का रास्ता दिखाया और अब हम कैंची धाम से भीमताल जा रहे हैं भवाली की साइड से। तो ये जो भवाली वाला रास्ता है ये भीमताल की तरफ जब हम जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट आपका भवाली से अगर आप भीमताल के लिए जाते हैं तो ये हाफ एन आवर में आप बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे, जबकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 8-9 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर है ये लगभग। तो अगर हम भीमताल झील की बात करें तो ये आधे घंटे में आपको यहाँ पर आप भवाली से पहुँच सकते हैं। और अगर आपको दिल्ली से जाना है तो दिल्ली से भीमताल 304 किलोमीटर है। और अगर आप गाजियाबाद से आ रहे हैं तो ये 273 किलोमीटर है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आप जहां से भी आ रहे हैं यहां आना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और आज हम आपको जहां लेकर जा रहे हैं वो भीमताल से भी अलग है, सातताल, यानी हम सातताल की तरफ भी जाएंगे। अभी देखते हैं हम भीमताल में कितना टाइम बिताएंगे और सातताल में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि आज हम लोग जिस रूट पे जा रहे हैं ये रूट हमको बहुत ही हिडन लोकेशन की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि नैनीताल इतना ओवर क्राउडेड है और इतना ठंडा भी नहीं है इस टाइम पे। इस ईयर में पता नहीं क्यों बहुत गर्मी है हर जगह, तो नैनीताल भी बहुत ठंडा हमें नहीं लगा। अभी हम जहाँ बढ़ रहे हैं वो है भीमताल और भीमताल में भी आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होने वाला है, आप नॉर्मल टेम्परेचर होने वाला है, पर आप दिल्ली से तो काफ़ी हद तक यहाँ पर गर्मी में निजात पा सकते हैं। तो ये जो रूट है हमारा बहुत आसान है, आप अपनी खुद की गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये जो हमने भवाली की तरफ से रास्ता लिया है भीमताल जाने के लिए, यहाँ पर कई जगह कन्फ्यूज़न हुआ हमें और कई जगह हमें लोकल्स की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर GPS बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो हमने कई जगह पे लोकल्स से बात करके अपनी डेस्टिनेशन को सर्च किया और स्पेशली जहाँ पर हम जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन बहुत ही हिडन है और वहाँ पर आपको पहुँचना भी मुश्किल है, तो वहाँ पर जाने के लिए कई बार लोकल्स की मदद लेनी पड़ती क्योंकि GPS के सहारे तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर आप व्यू देखेंगे वहाँ पे, आप इस जो झील का व्यू देखेंगे, इस जगह का व्यू देखेंगे, तो आप एकदम मैस्मराइज हो जाएंगे। एकदम लेस क्राउडेड होने वाली है ये जगह और यहाँ पर आपको रास्ते में ऐसे कई सारे व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं, पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और हमें फटाफट से पहुँचना है। तो आप भीमताल भी जा सकते हैं, भीमताल के अलावा अभी फ़िलहाल तो मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ मैं जिस लोकेशन पर जा रही हूँ वो लोकेशन हमारी भीमताल से थोड़ा दूर सातताल की ही लोकेशन है। और सातताल में हम क्या क्या चीज़ें विज़िट कर पाएंगे, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सातताल मतलब सात चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसमें से हम एक लोकेशन जो हमारी अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है वो हम विज़िट करेंगे और दैट इज़ गरुण ताल। हम इस बार गरुण ताल जाने वाले हैं। अगले कभी व्लॉग में टाइम मिला तो मैं दूसरी चीज़ें भी कवर करूँगी। फिलहाल आप ये रूट देखिए कितना सीनिक रूट है और ये जो सनसेट होने का टाइम हो चुका है, तो ये जो सनसेट हो या सनराइज़ पहाड़ों में आपको इसका मज़ा तो मिलता ही है, क्योंकि जब भी पहाड़ों में सूरज ढल रहा होता है या निकल रहा होता है तो आप बहुत अल्टीमेट फीलिंग आती है, बहुत अमेजिंग लगता है ये। तो धीरे से हम ये जो हमारा शहर है भीमताल का उसे क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट और हम अब बढ़ेंगे आगे गरुण ताल की तरफ, क्योंकि ये जो रूट है ये बहुत सीनिक है, यहाँ पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आप बर्ड वॉचर हैं तब तो आपके लिए जगह हेवनली होने ही वाली है। और यहाँ के अलावा आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, मैंने एक और बहुत ही खूबसूरत जगह जो उत्तराखंड नैनीताल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे खूबसूरत ये रोड देखिए, आप सबसे खूबसूरत सीनिक जगह खुरपाताल मुझे लगी, वो भी आप
हमारे वीडियो में देख सकते हैं, उसे भी हमने इस बार कवर किया है। और इस रूट पे आपको जगह जगह कैफ़े मिल जाते हैं, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं और कैफ़े भी, आपको रोड साइड कैफ़े भी मिल जाएंगे, तो आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा हमारा प्लान था मुक्तेश्वर जाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हम इस व्लॉग में जो मुक्तेश्वर वाला है वो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। पर जल्दी ही आप लोगों को अगर मुक्तेश्वर का हमारा ब्लॉग देखना है तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर भी एक व्लॉग बनाएंगे। यहाँ से मुक्तेश्वर जाने में लगभग 2 घंटे का रास्ता अभी हमें तय करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें रानीखेत की, तो नैनीताल से आप रानीखेत जाते हैं, वहाँ पर भी आपको 2 घंटे लगभग चाहिए ही चाहिए, और मुक्तेश्वर के लिए भी नैनीताल से आपको 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप मुक्तेश्वर जाएं, रानीखेत जाएं, पंगोद जाएं, वहाँ पंगोद जाने के लिए आपको 2 घंटे लगेंगे, और बिनसर अगर आप जा रहे हैं तो वो 3-3.5 घंटे लग सकते हैं। तो ये जो हमारा नैनीताल के आसपास वाला एरिया है, यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ नैनीताल नहीं, अक्सर लोगों को लगता है नैनीताल जाना है, नैनीताल घूम के आना है, तो जो आप नैनीताल का प्लान बना रहे हैं, नैनीताल के अलावा आप खुरपा ताल, नैकुचिया ताल, नैनीताल से बहुत पास में है, नैकुचिया ताल का तो आप बना ही सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। ये नौ झीलों का एक कलेक्शन है नौकुचिया ताल, और जो 7 ताल है वो 7 झीलों का कलेक्शन है। तो ये दोनों जगह 7 ताल और नौकुचिया ताल आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर भीमेश्वर महादेव मंदिर है भीमताल के पास में, अब वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर एक तितली संग्रहालय है, उसे ज़रूर विज़िट करिए अगर आप नेचर लवर हैं। तो अभी आप यहाँ देखिए इस जगह पे, ये जो रूट है हमें काफ़ी कंफ्यूजन हुआ, हमें पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है कई बारी। हमारे साथ यहाँ पर क्या हुआ कि आप गोल ही घूम के रह जाएंगे, यहाँ पर जो आपका GPS है वो ठीक से काम नहीं करेगा। ये रास्ता जो है ये गाँव की तरफ से अंदर से निकलेगा, और ये आपको कई जगह पे पता करना पड़ेगा। यहाँ पे कैफ़े और सारे लोग ठीक होते हैं, सब लोग बता देते हैं ये वाला रास्ता, हमने पूछ पूछ के ये वाला रास्ता आगे, और ये अब सीधा है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसी रास्ते पे हमें आगे बढ़ते चले जाना है, ये देखिए आप इस तरफ से आप सीधे जाएंगे तो ये जो लोकेशन है ये आपको गरुण ताल की तरफ लेके जाएगा। हम अभी, हमारे पास काफ़ी कम समय है, तो हमें हमारी कोशिश है कि हम इवनिंग होने से पहले अपना, ये देखिए कितना मुश्किल है, यहाँ पर आप गाड़ी बहुत केयरफुली ड्राइव करें अगर आप जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बहुत केयरफुली, और गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती तो एकदम आपको अपना रास्ता चिपक के चलना है। कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा झटके हैं कि आप फ़ोन भी ठीक से होल्ड नहीं कर सकते। रोड उतनी बुरी नहीं है, कहीं कहीं पर अच्छी है, कहीं कहीं पर थोड़ी पैची है, पर ठीक है, चलेगा, आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं, बस केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है। व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। भीमेश्वर मंदिर जा सकते हैं भीमताल से, और जो अगर नेचर लवर हैं तो तितली संग्रहालय जाइए आप, ये भी बहुत अच्छा है। और आप खुरपा ताल ज़रूर विज़िट करिए, मुक्तेश्वर वगैरह अगर आपको जाना है, मुक्तेश्वर, रानीखेत, पंगोत, बिनसर, इन जगहों पर जाना है तो आप मुझे बताइए, मैं उनके भी ब्लॉग्स लेकर आऊँगी। अभी आप ये रास्ता देखिए, बस ये रास्ता देखिए, ओह माय गॉड, इस रास्ते से तो मुझे प्यार हो गया। बहुत ही नैरो है, मुश्किल से आपको, अब वीडियो बनाते हुए ड्राइव करते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही नैरो है पर बहुत खूबसूरत है। अब देखिए कितनी सारी ग्रीनरी अभी से दिखनी शुरू हो गई, रास्ता कितना खूबसूरत हो चुका है। यहाँ हमें आराम आराम से निकलना है, और हम लगभग लगभग अपनी डेस्टिनेशन के आसपास हैं। मुझे नहीं पता कि अभी हमें और कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह पे GPS चल रहा है ठीक से और कई जगह पे GPS गड़बड़ कर रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा। कई बार हम रास्ते, एक भी रास्ता भटक गए तो आपको अगली जगह पे, यहाँ पर भी हम किसी से मदद लेके आगे के जहाँ भी रास्ते आपके मुड़ रहे हैं, 1 से 2 रास्ते हो रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि GPS की बजाय आप लोगों से पूछ लें कि कौन से रास्ते पे आपको जाना है, वो ज़्यादा ठीक होगा। और रोड थोड़ी पैची है, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी पैची है, तो और नैरो भी बहुत है, काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड है ये।
अब टर्न देखिए, इस तरह आप धीरे धीरे, पर ये है कि जितना भी आप देख रहे हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, होपफुली कि वो वहाँ जाकर हमें पैसा वसूल टाइप की जगह मिल जाए। अभी से ही बर्ड्स की आवाज़ काफ़ी आ रही है और जो ये जंगल है डेंस उतना नहीं है पर अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे ना इस तरह भी आप देखेंगे काफ़ी सारी जो रोड है वो उसकी मरम्मत का काम चलता रहता है, तो आपको थोड़ा बच बच के निकलना है। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारे जो इसको हमारे ट्रैवल को और स्मूथ बनाने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन के पास में, आप बोट देख सकते हैं, यहाँ पे कूड़ा वूड़ा मत फैलाएं आप लोग जाते हैं तो। ये इस तरह का कुछ रोड होने वाला है पर सच में अल्टीमेट व्यू मिलने वाला है और एकदम पैसा वसूल जगह होने वाली है ये। अब मुझे तो इन रास्तों से ही इतना प्यार हो रहा है। ये देखिए पूरा जंगल जल चुके हैं, नैनीताल में और जो उत्तराखंड में आग लगी उसकी वजह से इस तरह के आपको बैंड देखने को मिलेंगे और इन पे बहुत केयरफुली आपको ड्राइव करना है। काफ़ी सारी आग लगी हुई थी, हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही थी पर हेलीकॉप्टर से इतना पानी नहीं पड़ पाता कि आग ठीक से बुझाई जा सके। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन गरुण ताल की तरफ। गरुण ताल को जो आप अगर ऊपर से इसका शेप देखेंगे तो गरुण पक्षी की तरह है, इसलिए इसका नाम गरुण ताल रखा गया है। और ये देखिए सब जगह जला हुआ है, सब जगह जला हुआ है, वरना यहाँ पे इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी अभी भी है, ये सारा जंगल ऐसे जल रहे हैं, आप देख रहे हैं लकड़ियाँ, ये किसी ने आग नहीं लगाई है, ये खुद आग लगी है जंगलों में। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी टेम्परेचर ठीक ठाक है, मतलब बहुत यहाँ पे ठंडा नहीं है पर उतनी गर्मी नहीं है जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है कि उसे बेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ईज़िली आप हाफ टी शर्ट में कम्फर्टेबल फील करेंगे। आप रास्ता देखिए कितना नैरो है और बिल्कुल कोई मिलेगा भी नहीं आपको बहुत ज़्यादा पूछने के लिए, कहीं कहीं कोई लोग मिल जाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, बस निकलते जाना है और सही मायनों में बर्ड वॉचिंग करनी है। सही मायनों में अगर आपको शहर की लग्जरी लाइफ को छोड़कर इस तरह की ब्यूटी देखनी है, नेचर देखना है, उत्तराखंड को महसूस करना है तो आई थिंक भीमताल सात ताल ये बेस्ट है। और यहाँ से धीरे धीरे बचते बचाते हमें निकलना है क्योंकि जंगल काफ़ी है। और यहाँ पे बर्ड्स के लिए आप ना पैदल ट्रैक करके जाइए, यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं या आप टू व्हीलर से जाते हैं वो बहुत बढ़िया है क्योंकि टू व्हीलर बहुत कम जगह लेते हैं और खुला खुला व्यू आता है। तो टू व्हीलर अगर आपने रेंट किया है तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है, टू व्हीलर रेंट किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप हर जगह आपको फोटोग्राफी लवर्स यानी बर्ड लवर्स मिल जाएंगे, फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स हैं काफ़ी। और हम भी यहाँ पर खूब सारी अभी फोटोग्राफी करने वाले हैं, यहाँ पर कोशिश करेंगे कुछ चिड़ियों को स्पॉट करें। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है इस जगह जाने के लिए, अगर आप देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा ये जगह इतनी ज़्यादा, मतलब आप ऐसे जाओगे ना तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ जी हम कहाँ ही जा रहे हैं, पता नहीं हमारा आने, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या होगा, आने वाली जगह कैसी होगी। पर मैंने देखा था तो मुझे गरुण ताल जाने का बहुत मन था और मुझे लग रहा था कि ये जगह तो जाना ही जाना है, कैसे भी करके जाना है, थोड़ा एडवेंचर करना है। गाइज अब हम आ चुके हैं गरुण ताल और ये बहुत ही खूबसूरत है, बर्ड वॉचर्स के लिए तो हेवन है। यहाँ पर सारे बर्ड वॉचर्स ही दिख रहे हैं मुझे और ढेर सारी चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये देखिए ये ऐसे करके एक रास्ता आता है, जंगल में आग लगी होने की वजह से सारा ब्लैक ब्लैक हुआ है, सारे पेड़ जल गए हैं। हमने गाड़ी वहाँ पर पार्क कर दी है और अब नीचे की तरफ ये एक रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे गरुण ताल की तरफ। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर खतरा है, झील गहरी है और काफी खतरनाक है तो पानी में नहीं उतरना है, बस यहाँ पर बैठ के एंजॉय करना है। यहाँ पर लाइक लैंडस्केप पेंटिंग एंड बर्ड वॉचिंग
ये सारी फेवरेट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं आपकी। स्वर्णा को ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है, इसलिए उसने एक डंडा लिया है और उसके साथ वो ट्रैक कर रही है। और अपूर्व कुछ चिड़ियों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कहीं कोई बर्ड मिल जाए और हमें उसकी अच्छी पिक्चर्स मिल जाए। रास्ता बहुत ख़तरनाक था, मैं बना नहीं पाई काफ़ी सारी रील। यहाँ आने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है और GPS सिग्नल भी बार बार लॉस्ट कर जा रहे हैं, तो लोकल से बात करके यहाँ पर आना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि कई बार हमने लोकल्स की हेल्प ली है और हम यहाँ से अब सीधे गरुणताल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जगह जब मैं आई तो एक बार को मुझे लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है, शायद हमें ये प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए, पर आने के बाद मुझे लगा कि ये जगह वाकई हेवन है। अगर आप यहाँ पर इतनी सारा प्रॉब्लम उठा के आते हैं तो आने के बाद आपको समझ में आता है कि हमने जो भी किया वो सब वर्थ था। एक बार गाइज यहाँ आना बनता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। चलिए अंदर भी चलते हैं। ये बहुत डरावनी भी है, ये पूरा जंगल है। ये पूरा जंगल है और यहाँ से हमें झील दिखनी शुरू हो चुकी है। ये है हमारा गरुणताल, जो बेशक सात ताल और नकुचिया ताल से बहुत अलग है। अगर अल्टीमेट गो ऑन, ये कोई स्पेशल पत्ते हैं अंकल जी, क्यों तोड़ रहे हैं इन्हें? क्यों तोड़ रहे हैं इन पत्तों का? अच्छा, तो ये पत्ते तोड़ के ले जाते हैं उसके लिए? वो तो बहुत सारा खाना खाती होगी, कैसे तो इतना सारा खाना पूरे दिन तोड़ते हैं? अच्छा, बहुत मेहनत से गाय का खाना ले जाते हैं। हाँ, नहीं घास नहीं मिलती इन्हें खाने के लिए? कम मिलती है आजकल, वो आग भी लगी हुई है ना इस तरफ, तो घास भी सारी जल गई, थोड़ी हर घास खाती भी नहीं है। हाँ वही है, सही बात है, वो बोलता नहीं है पर भूख तो उसे भी लगती है, सही बात है, प्यार के भूखे होते हैं ये लोग। अच्छा, ये सारे गरुड़ के पेड़ हैं ये? हाँ ओके, तो ये गरुड़ के पेड़ से होता क्या है? कुछ फायदा भी करते होंगे ना, कोई मेडिसिन वेडिसिन भी बनती होगी?
अच्छा, और ये जो आप पत्ता काट रहे हैं ये किस चीज़ का है? अच्छा, हेलीकॉप्टर से सब आग बुझा रहे थे है ना? कितना उससे नहीं? हाँ ये तो है, हेलीकॉप्टर से ज्यादा पानी तो नहीं बढ़ पाता। मैंने देखा हर जगह पेड़ जल रहे थे, हर जगह पेड़ जल रहे थे। सही है, तो ये आग अपने आप ही बुझ जाती होगी? यहाँ चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी है ना? चिड़िया बहुत, कितनी अच्छी आवाजें आ रही हैं, दिख नहीं रही हैं। स्वर्णा क्या कर रहे हो आप? ट्रैकिंग? सर अभी कहाँ पे हो? नैनीताल में। नैनीताल में नहीं, रुके नहीं, हम लोग सुबह आए थे। को खिलाते हैं, क्या करोगी तुम? लोग सामने से हटोगे? नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डैडी अपना वेपन बना रहे हैं। क्या? इसका एक वो रखा होगा स्क्रैच बुक। अरे वाह, इसमें तो कलर भी है, सब है उसमें। ज्यादा बढ़िया थी इसकी। रख दो, पकड़ो, रख दो, ये खेलने में बिजी है। ये तो बहुत शांत चीज है। मम्मा? यस बेटा, सेकंड doing? I'm collecting stones. The pathar. Must. Killing me with the back to back karke. I'm done. एक फालतू की बात, नदी नहर के किनारे। अपूर्व ने अपनी स्केचिंग कंप्लीट कर ली है और इतनी बढ़िया सी लोकेशन पे इतना नेचुरल एनवायरनमेंट में स्केच करने का जो मज़ा होता है, इन्होंने पूरी तरह से उस टाइम को यूज़ किया अपना। और वाकई ये आप देख सकते हैं सामने, तो
तो अब हम यहाँ पर पूरी मस्तियाँ कर चुके हैं और अब हम वापस निकलेंगे अपने होटल के लिए। वहाँ पर कुछ पहले खाएंगे, पिएंगे, रेस्ट करेंगे और आपको अगली कोई ऐसी हिडन लोकेशन फिर से दिखाएंगे। और आप मुझे कमेंट में प्लीज़ 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 ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रास्ता और ये जो लोकेशन है ये कैसा लगा, आपने इसको देख करके वहाँ जाने का अगर मन बनाया तो भी बताइए। प्लीज़ मुझे इस जगह के लिए कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस है और इसके आगे भी काफ़ी कुछ है जहाँ आप, मैंने अंकल से पूछा, एक वो जो घास काट रहे थे उनसे मैंने बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर आप ना किसी गाइड की मदद के बिना उस तरफ नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे रास्ते ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप अगली जगह के लिए तैयार हैं, आप जाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो मैं उनका भी ब्लॉग बनाऊंगी। और हाँ, मुक्तेश्वर भी मेरी बकेट लिस्ट में है तो नेक्स्ट टाइम हम मुक्तेश्वर की तरफ जाएंगे। और अगर आपको कैंपिंग का शौक़ है तो आप यहाँ पर अपनी जो भीमताल की साइड है यहाँ पर आपको बने बनाए रेडीमेड कैंप्स मिलते हैं या अपने कैंप्स भी लगा सकते हैं। इस तरह की भी अगर आपको एडवेंचर जर्नी प्लान करनी है तो वो आप कर सकते हैं इस जगह में। और अगर आपको कैंपिंग के नेक्स्ट वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारा प्लान है अगला जो ब्लॉग बनाएंगे, अगली जो जगह जाएंगे वहाँ पर हमारा कैंप लगाने का मन है, चाहे तो हम डे आउट करें या फिर हम नाइट कैंपिंग करेंगे, वो आपको इस चैनल पे बने रहने से ही पता चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखिए क्या हालत है इस रास्ते की। जो रास्ता है टूटा हुआ है, आपको बोर्ड भी दिखा था पीछे कि रास्ता क्षतिग्रस्त है, संभल के चलना है, इस रास्ते पे काम हो रहा है, होपफुली आने वाले टाइम में ये रास्ता अच्छा हो जाएगा और उत्तराखंड की इसी तरह ब्यूटी को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे। दिल्ली में इतना क्राउड होने के बाद हम सब उत्तराखंड भागते हैं या हम हिमाचल भागते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छा रोड का लिंक मिल जाए, एक बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाए ताकि हम ईजिली अपने जो सफ़र है उसको कर पाएँ। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और हाँ, एक और बहुत अच्छा रूट मैं आपको देने वाली हूँ अगले ब्लॉग में, क्योंकि अब मैंने प्लान किया है कि मैं उत्तरांचल में एक और जगह आपको लेकर जाऊँ, क्योंकि अब मैंने प्लान किया है कि मैं उत्तराखंड की एक और ऐसी लोकेशन पे आपको लेकर जाऊंगी जहाँ मैं कैंपिंग करूँगी। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, पर मैं सच बता रही हूँ, वो जो जगह, वो जो ब्लॉग होने वाला है, वो ब्लॉग बहुत ही औसम होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं नाइट कैंपिंग के लिए भी हम जाएंगे और डे कैंपिंग के भी हम ब्लॉग्स डालेंगे अभी। और जो वो जगह है, एक उसमें ऐसा हाईवे है जो बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस हाईवे से आप मात्र 2 घंटे में बिल्कुल पास में एक बहुत ही खूबसूरत जगह, हिल स्टेशन को विजिट कर पाएंगे। वो मैं दिखाने वाली हूँ अगले ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और इस एपिसोड को प्लीज़ 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 लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो सबको पता चले कि उत्तराखंड में इतनी खूबसूरत जगहें भी हैं। मतलब लाइक सिर्फ नैनीताल नहीं है, सिर्फ कैची धाम नहीं है, सिर्फ आपका भीमताल नहीं है, सात ताल भी बहुत खूबसूरत है। तो प्लीज़ से शेयर करें। और आपको पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, आपको इसके बारे में क्या पता है? और हो सकता है अगर आप उत्तराखंड से तो आपको तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होंगी जो हमें नहीं पता है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपको बहुत बहुत भर भर के थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कैंपिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मॉन्डलास पे।